नमस्कार, आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन की आज 20 जनवरी की कड़ी में हम याद कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अमर बलिदानी गेंद सिंह जी को। छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख क्षेत्र है बस्तर। अंग्रेजों ने अपनी कुटिल चालों से बस्तर को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। वे बस्तर के वनवासियों का नैतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण कर रहे थे। इससे वनवासी संस्कृति के समाप्त होने का खतरा बढ़ रहा था। अतः बस्तर के जंगल आक्रोश से गर्माने लगे। उन दिनों परलकोट के जमींदार थे श्री गेंद सिंह जी। वे पराक्रमी, बुद्धिमान, चतुर और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उनकी इच्छा थी कि उनके क्षेत्र की प्रजा प्रसन्न रहे, उनका किसी प्रकार से शोषण ना हो। इसके लिए वे हर संभव प्रयास करते थे, पर इस इच्छा में अंग्रेजों के पिट्ठू कुछ जमींदार, व्यापारी और राजकर्मचारी बाधक थे। वे सब उन्हें परेशान करने का प्रयास करते रहते थे। जब अत्याचारों की पराकाष्ठा होने लगी तो श्री गेंद सिंह जी ने 24 दिसंबर 1824 को अबूझमाड़ में एक विशाल सभा का आयोजन किया। सभा के बाद गांव-गांव में धावड़ा वृक्ष की टहनी भेजकर विद्रोह के लिए तैयार रहने का संदेश भेजा। वृक्ष की टहनी के पीछे यह भाव था कि इस टहनी के पत्ते सूखने से पहले ही सब लोग विद्रोह स्थल पर पहुंच जाएं। 4 जनवरी 1825 को ग्राम, गुफाओं और पर्वत श्रृंखलाओं से निकल वनवासी वीर परलकोट में एकत्र हो गए। सब उन अपने पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों से लैस थे। वीर गेंद सिंह ने सबको अपने अपने क्षेत्र में विद्रोह करने को प्रेरित किया। इससे थोड़े ही समय में पूरा बस्तर सुलग उठा। सरल और शांत प्रवृत्ति के वनवासी वीर मरने मारने को तत्पर हो गए। इस विद्रोह का उद्देश्य बस्तर को अंग्रेजी चंगुल से मुक्त कराना था। स्थान स्थान पर खजाना लूटा जाने लगा। अंग्रेज अधिकारियों तथा राज कर्मचारियों को पकड़कर पीटा और मारा जाने लगा। सरकारी भवनों में आग लगा दी गई। शोषण करने वाले व्यापारियों के गोदाम लूट लिए गए। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा मानो बस्तर से अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया हो। इससे घबराकर अंग्रेज प्रशासक एगेन्यू ने अधिकारियों की एक बैठक में यह चुनौती रखी कि इस विद्रोह को कौन कुचल सकता है। काफी देर तक बैठक में सन्नाटा पसरा रहा। गेंद सिंह और उनके वीर वनवासियों से भिड़ने का अर्थ मौत को बुलाना था। अतः सब अधिकारी सिर नीचे कर बैठ गए। एगेन्यू ने सबकी कायरता के लिए फटकारा। अंततः चांदा के पुलिस अधीक्षक कैप्टन पेबे ने साहस कर इस विद्रोह को दबाने की जिम्मेदारी ली और एक बड़ी सेना लेकर परलकोट की ओर प्रस्थान कर दिया। वनवासियों और ब्रिटिश सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। एक ओर आग उगलती अंग्रेजी सेना और दूसरी ओर अपने धनुषों से तीरों की वर्षा करने वाले वनवासी। बेचारे वनवासी इन आधुनिक शस्त्रों के सम्मुख कितनी देर टिक सकते थे। फिर भी संघर्ष जारी रहा। 20 जनवरी 1825 को इस विद्रोह के नेता और परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तो कैप्टन पेबे की खुशी का ठिकाना न रहा, पर वह इतना आतंकित था कि उसने उन्हें बड़े अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करने या न्यायालय में ले जाने का जोखिम उठाना उचित नहीं समझा। उसने उसी दिन श्री गेंद सिंह जी को उनके महल के सामने ही फांसी पर चढ़ा दिया। वीर गेंद सिंह का यह बलिदान छत्तीसगढ़ की ओर से स्वतंत्रता के लिए होने वाला प्रथम बलिदान था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।